हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर, रैपिड करंट अफेयर सेशन 29 जुलाई का। इन दिस पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना पहला करंट अफेयर। एज पर अवर फर्स्ट करंट अफेयर, अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स हैंडेड ओवर टू बांग्लादेश बाई इंडियन रेलवे इन वर्चुअल सेरेमनी। इट मीन्स हाल ही में क्या आज जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपनी सरकार, अपना इंडियन गवर्नमेंट है, उसने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव, देखिए लोकोमोटिव्स जो होते हैं, जो अपना रेल होता है, रेल गेज, तो वो तीन होती हैं, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज। ठीक है, करंटली जो चलती हैं वो है मीटर गेज, और जो मेट्रो चलती है मेट्रो गेज की लाइन अलग होती है। इन सब की अपनी अपनी डायमेंशन होती है, एक की होती है 1.67, एक की होती है 1 मीटर गेज की, 1 मीटर इसकी 0.767 मीटर। ठीक, ये तो एक ब्रीफ ओवरव्यू है जो ये ब्रॉड गेज की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स प्रोवाइड किए गए, और ये जो इसको प्रोवाइड किए हैं, इस सेरेमनी को इन्होंने वर्चुअली पूरा किया है, वहाँ जाके नहीं, एक वर्चुअल सेरेमनी के तहत इन्होंने 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स हैंडेड ओवर कर दिए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। अपने पीएम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड हाई थ्रूपुट COVID-19 टेस्टिंग फैसिलिटीज एट कोलकाता, मुंबई एंड नोएडा। जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने COVID-19 को देखते हुए हाई थ्रूपुट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है 3 बड़े शहरों को, कोलकाता, मुंबई एंड नोएडा। तो ये याद रखिएगा कि हाई थ्रूपुट COVID-19 फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई, 3 शहरों प्रोवाइड की गई पहली बात, और वो 3 शहर हैं कोलकाता, मुंबई और नोएडा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, गवर्नमेंट रिलीज्ड गाइडलाइन फॉर 4 स्कीम टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग एंड मेडिकल डिवाइस पार्क। ठीक है, गवर्नमेंट है, उसने 4 स्कीम प्रोवाइड की हैं, 4 स्कीम दी हैं, जिससे जो बल्क में जो ड्रग बनती है या मेडिकल डिवाइसेस बनती हैं उनका, जो क्योंकि इनका बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, तो उसको बोल दिया जाता है एक पार्क टाइप में बोल दिया। ठीक है, तो बल्क ड्रग एंड मेडिकल डिवाइस पार्क जो हैं, इनके लिए 4 स्कीम दी गई हैं, जिससे इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में तेजी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट अपने करंट अफेयर पे, सेंट्रल गवर्नमेंट विल विथ वर्ल्ड बैंक डिसाइड टू कन्वर्ट रेवेन्स ऑफ चंबल रीजन इनटू एरेबल लैंड। देखिए चंबल को आप जानते हैं, चंबल एकदम बीहड़ क्षेत्र बोला जाता है, एकदम एरिड रीजन होता है, तो उसको एग्रीकल्चरल के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस यूज़ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने आपस में डिसाइड किया है कि उस चंबल रीजन को खेती युक्त, कृषि युक्त बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए कई प्रपोजल दिए गए हैं, उसको आगे वो आने वाले समय में सबके सामने आएंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर, इंडियाज GDP बूस्ट टू 2.5% बाई AI रिपोर्ट बाई ICRI। क्या है इसका फुल फॉर्म, देखिए इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। ठीक है, तो ICRIR का याद रखिएगा, इंडियन, आई फॉर इंडियन, सी फॉर काउंसिल, आर फॉर रिसर्च, आई फॉर इंटरनेशनल, ई फॉर इकोनॉमिक एंड आर फॉर रिलेशन। तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। ठीक है, तो उसने रिपोर्ट दी है कि इंडिया की GDP 2.5% राइज बूस्ट करी, और गूगल एंड नैसकॉम सिक्स का ये कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, तो उसका जो छठा एडिशन उसकी बात करी, उसमें इंडिया सेटअप सोलर पावर प्लांट इन श्रीलंका, एज पर गूगल और नैसकॉम सिक्स जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके तहत इंडिया श्रीलंका में सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं हम लोग, गेल CCL का नाम है कार्बन क्लीन
सॉल्यूशन लिमिटेड। देखिए जो नाम है फुल फॉर्म इनको आपको याद रखना जरूर चाहिए, ठीक है। तो CCL कार्बन सोल्यूशन, कार्बन क्लीन सोल्यूशन लिमिटेड, ठीक है। तो गेल और कार्बन क्लीन सोल्यूशन लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है जिसके उस और उस MOU का पर्पस क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट, ठीक है। उस MOU का पर्पस है कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट है। अब कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट एंड एंड इज़ इन लाइन विथ इंडियन गवर्नमेंट्स डिजायर टू स्विच टू क्लीन एनर्जी, ठीक है। एक इंडियन गवर्नमेंट का एक डिज़ायर प्रोजेक्ट है कि जो हमारी एनर्जी है वो क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए ही इस तरह का MOU, ये वाला MOU साइन किया गया है। ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसमें याद करके करना है, पहले तो ये गेल और CCSL के बीच में है, CCSL का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्लीन कार्बन क्लीन सॉल्यूशन लिमिटेड। दूसरा इसमें बनेगा क्या, कौन सा प्रोजेक्ट है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस जो है इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। और ये क्या है, एक तरह की क्लीनर एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट अपने करंट अफेयर पे आते हैं। होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, डिस्ट्रीब्यूटेड 100 इलेक्ट्रिक वाटर्स व्हील टू आर्टिशियन ऑफ गुजरात। अमित शाह ने 100 इलेक्ट्रिक वाटर्स, इलेक्ट्रिक जैसे जो कुम्हार होगा, आपने देखा होगा कुम्हार के पास गए होंगे तो उसके पास एक चक्का होता है गोल गोल, ठीक है। तो जो पुराने कुम्हार होते थे उनके पास चक्का ये लकड़ी का होता था, ठीक है, पत्थर का। तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस चक्के को एक इलेक्ट्रिक वाटर व्हील जो है वो गुजरात के वाटर्स को प्रोवाइड किए, गुजरात के कुम्हारों को प्रोवाइड किए। नेक्स्ट, IRCTC एंड SBI कार्ड लॉन्च को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे प्लेटफॉर्म। IRCTC और SBI कार्ड ने मिलके कॉन्टैक्टलेस रुपे कार्ड का एक बनाया है, उसको प्लेटफॉर्म दिया है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस लॉन्च क्रॉप इंश्योरेंस कंपेन, बहुत जरूरी है फॉर फार्मर। भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, भारतीय इंश्योरेंस कंपनी है, उसने किसानों के लिए क्रॉप इंश्योरेंस कंपेन चालू किया है और उस कंपेन का नाम है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्योंकि क्या है कि इस समय इतना अकाल पड़ता है, कभी पानी नहीं बरसता है, कभी पानी ज़्यादा बरस जाता है तो फसल के तो ख़राब हो जाती है, पैदा होने के बाद या तो फायदा ही नहीं होती, ठीक है। तो उसके लिए इंश्योरेंस लाया है, तो उस इंश्योरेंस का नाम है बहुत ज़रूरी है। तो ये क्रॉप इंश्योरेंस और लाया है उसने भारतीय एक्से जनरल इंश्योरेंस, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, SBI प्रोवाइड $16.2 million लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर लोकल बिजनेस इन मालदीव्स एज कोविड रिलीफ, ठीक है। अपना जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने मालदीव में एज ए कोविड रिलीफ, ठीक है, कोविड से हर जगह की हालत ख़राब है, COVID-19 रिलीफ, तो SBI ने मालदीव में एज ए कोविड रिलीफ वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोकल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए $16.2 million का लिक्विडिटी सपोर्ट दिया है। मतलब लिक्विडिटी सपोर्ट मतलब ये पैसा इतना दिया है वहाँ पे, कितना आप फंडिंग यूज़ करिए। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल एंड फ्रांस टोटल फॉर्म 50-50 JV टू मेक सुपीरियर बिटुमिन क्वालिटी बिटुमिन, ठीक है। इंडियन ऑयल और फ्रांस ने 50-50 JV एक तरह का सुपीरियर क्वालिटी बिटुमिन बनाया है। नेक्स्ट, फॉर्मर कोल इंडिया चीफ अनिल कुमार झा टू हेड एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, ठीक है। जो फॉर्मर कोल इंडिया के चीफ थे अनिल कुमार झा, वो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के हेड बनाए गए। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट अर्चना सोलंग बिकम ए मेंबर ऑफ एंटोनियो गुटेरेस न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अर्चना सोलंग, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट, देखिए हर तरह एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तो ये एक तरह से क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने इनको एंटोनियो गुटेरेस, एक तरह का यूथ एडवाइजरी ग्रुप है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो उसका इसको इनको मेंबर बनाया गया। तो अर्चना सोरेंग याद रखिएगा, और इन्हें किसका ग्रुप बनाया, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंटेड नवीन तहलियानी एज ए MD एंड CEO। टाटा AIA ग्रुप में
नवीन तहलियानी, नाम ये याद रखिएगा ना, इसलिए हम ये कुछ क्वेश्चन इनको बार बार ला रहे हैं तो उनको याद रखें, नवीन तहलियानी। नेक्स्ट आते हैं आलोक मिश्रा अपॉइंटेड एज सीईओ एंड डायरेक्टर ऑफ MFIN। MFIN का नाम क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। तो याद रखिएगा आलोक मिश्रा को सीईओ बनाया गया, सीईओ एंड डायरेक्टर बनाया गया MFIN का, तो MFIN का फुल फॉर्म है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रामविलास पासवान लॉन्च बिस BIS केयर ऐप टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ ISI एंड हॉल मार्क क्वालिटी सर्टिफाइड प्रोडक्ट। रामविलास पासवान जो सेंट्रल मिनिस्ट्री में मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक BIS केयर करके ऐप लॉन्च किया है जिसका यूज़ है, जो आपने देखा होगा आभूषण खरीदते हैं उसमें ISI हॉल मार्क होता है, या कुछ सामान खरीदते हैं उसमें ISI मार्क होता है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए बनाया गया। तो इस ऐप का नाम है BIS केयर, तो इसको याद रखिएगा कि किसने इसको लॉन्च किया है, रामविलास पासवान, और कौन सा ऐप का नाम क्या है, BIS। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। वर्ल्ड नेचर नाम याद रखिए, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। नेक्स्ट आते हैं लोग इंटरनेशनल डे फॉर, इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 26 जुलाई को। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च एज मैनी स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी एज COVID-19 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन बोला था जिसमें तीन शहरों के नाम लिए थे, कोलकाता, बॉम्बे, नोएडा, तो वही क्वेश्चन कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए COVID-19 की परीक्षण के लिए अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का, कितनी अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का टेस्टिंग लेबोरेटरी का शुभारंभ किया, तो वो है तीन शहर में किए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिसेंटली IIT रिसर्चर हैव डेवलप्ड ए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस टू डिटेक्ट COVID-19 1 आवर, तो किस IIT ने किया है? IIT खड़गपुर। किस IIT ने रैपिड टेस्टिंग डिवाइस बनाया है जिससे कोविड का पता चल जाए 1 घंटे में, तो वो बनाया IIT खड़गपुर। नेक्स्ट आते हैं लोग एन इंस्टीट्यूशन हुज रिपोर्ट स्टेट्स दैट 2.2 मिलियन चिल्ड्रन इन साउथ एशिया आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ड्यू टू कोरोना क्राइसिस। देखिए इसकी बात हमने कल भी की थी, यूनिसेफ ने बोला है कि कोरोना के चलते दक्षिण एशिया में 2.2 मिलियन चिल्ड्रन, करीब 2.2 करोड़ बच्चे, 2.2 मिलियन स्टूडेंट, मिलियन चिल्ड्रन को प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडिया हैज रिसेंटली हैंडेड ओवर एज मैनी ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स टू बांग्लादेश। देखिए ऊपर ही बताया, तो कितने लोकोमोटिव्स दिए हैं? 10, वो भी कौन से हैं? ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स। नेक्स्ट आते हैं CRPF फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड, CRPF फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 27 जुलाई। CRPF फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 27 जुलाई। नेक्स्ट आते हैं द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड द लॉकडाउन पीरियड इन मेजर सिटीज टू 6 एज ऑफ डेट इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग केस ऑफ COVID-19। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने COVID-19 के केस को देखते हुए जो लॉकडाउन की डेट है, अवधि है, उसको बढ़ा के 6 अगस्त कर दिया। नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जो आपको पता होगा, द गवर्नमेंट हैज़ दिस इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ हाउ मेनी लाख रुपीज़ करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने सरकार में 2.10 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश रच रखा है, डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा है। नेक्स्ट आता है इंडिया एंड द कंट्री विच हैज प्लेज टू इंक्रीज स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इन मैनी फील्ड इंक्लूडिंग डिफेंस इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी शेयरिंग ऑन 27 जुलाई से। 27 जुलाई को किस देश के साथ, देश ने, भारत ने रक्षा मतलब अपने डिफेंस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी और
टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए आगे रणनीति बनाई, तो वो देश है इंडोनेशिया। नेक्स्ट आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बैंड एज मेनी ऐप एज चाइना बाय मेकिंग अनदर डिजिटल स्ट्राइक। ठीक है, भारत ने चीन पे डिजिटल स्ट्राइक करते हुए और कितने ऐप पे बैन लगाया, तो वो है 47 ऐप पे और बैन लगा दिया। नेक्स्ट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हैज लॉन्च विच मोबाइल ऐप ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स 14th फाउंडेशन डे। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, मतलब इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ही बोलते हैं, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री जो है, उसने जो उसका क्या बोलते हैं फाउंडेशन डे, जो 14th फाउंडेशन डे पे एक ऐप लॉन्च किया है, तो उस ऐप का नाम है वेदर, इसको हिंदी में मौसम बोलते हैं, मौसम ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस तरह आज आपका आज का करंट अफेयर 29th जुलाई का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करिए, और इस ऐप को, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड नेवर मिस प्रेस बेल आइकन। ओके, थैंक यू वेरी मच।